क्या आपको पता है कि मक्खी का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? अगर नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए काफी अधिक उपयोगी साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको मक्खी के स्त्रीलिंग शब्द के बारे में बड़ी ही अच्छी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अधिक समय न लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सबसे पहले बता देते हैं कि दोस्तों, जिस किसी शब्द के रूप से यह जान लिया जाए कि यह व्यक्ति या वस्तु स्त्री जाति का है या फिर पुरुष जाति का है, तो उसे हम लिंग कहते हैं। और वह शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराता है उसे पुलिंग कहा जाता है, और वह शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराता है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि मक्खी का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है। तो दोस्तों, अगर मक्खी के स्त्रीलिंग शब्द की बात की जाए तो वह मादा मक्खी होगा। यानी दोस्तों, एक बार जरा ध्यान से सुनिए कि मक्खी का स्त्रीलिंग शब्द मादा मक्खी होता है, और यहां पर मक्खी एक पुल्लिंग शब्द होता है और मादा मक्खी एक स्त्रीलिंग शब्द होता है। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि इसके पुल्लिंग शब्द को विशेष रूप से नर मक्खी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि मक्खी हिंदी भाषा में एक प्रकार का कीट को कहती है, और इस तरह का जो नर कीट होता है केवल उसे ही मक्खी या फिर नर मक्खी कहते हैं। और वहीं पर इस तरह का अगर कोई मादा कीट होता है तो उसे मादा मक्खी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अब हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि मक्खी का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है। तो दोस्तों, अगर मक्खी के स्त्रीलिंग शब्द की बात की जाए तो वह मादा मक्खी होगा। यानी दोस्तों, एक बार जरा ध्यान से सुनिए कि मक्खी का स्त्रीलिंग शब्द मादा मक्खी होता है, और यहां पर मक्खी एक पुल्लिंग शब्द होता है और मादा मक्खी एक स्त्रीलिंग शब्द होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी, यानी दोस्तों आपको मक्खी का स्त्रीलिंग शब्द वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।